बॉलीवुड कॉकटेल। साल 2018 बॉलीवुड स्टार्स के लिए हेल्थ वाइज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीदेवी टू रीमा लागू बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर्स हुए हैं और लॉसेस हुए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। यूं तो इस साल को खत्म होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, मगर ऐसे में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर कादर खान के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने की न्यूज भी आ रही है। यस, कादर खान जो 81 साल के हो चुके हैं फिलहाल आईसीयू में हैं और उनकी हालत बेहद ही क्रिटिकल बताई जा रही है। यहां तक कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की बातें भी पता चल रही हैं। कादर खान मुंबई नहीं बल्कि अपने बेटे सरफराज के पास कनाडा में हैं, जहां बेटे सरफराज और उनकी बहू दोनों उनका ख्याल रख रहे हैं। इस बारे में अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके अपनी चिंता शो की है और वर्ल्ड भर से कादर खान के फैंस उनके स्पीडी रिकवरी के लिए दुआएं और प्रार्थना कर रहे हैं। कादर खान के दो बेटे हैं सरफराज और शहनवाज, जिनके साथ कादर खान कनाडा में रहते हैं। कादर खान एक लंबे टाइम से ही बीमार चलते आ रहे हैं और उन्हें चलने फिरने में भी काफी तकलीफ रही है। रिसेंट न्यूज ये है कि कादर खान फिलहाल वेंटिलेटर पे हैं, जहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ बताई जा रही है। कादर खान ने 40 साल से भी ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए हैं, जहां 1973 में उन्होंने फिल्म दाग से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें राजेश खन्ना उनके साथ थे। कादर खान ने हमें कमाल की फिल्में दी हैं, अपनी कॉमेडी और ह्यूमर से सबको कादर खान ने हंसाया है और डेफिनेटली उनकी एक अलग इमेज रही है। 90s की ऑलमोस्ट हर कॉमिक फिल्म में हमें कादर खान एक टिपिकल हंसाने वाले फादर के रोल में दिखे हैं, चाहे वो हम हैं कमाल के हो, कूली नंबर वन हम, या फिर बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, दूल्हे राजा और भी बहुत सारी फिल्में कादर खान ने की हैं। इनफैक्ट अगले साल कादर खान की फिल्म हेरा फेरी 3 भी आने वाली है, जहां वो हमें रोल करते हुए देखेंगे। वेल, वी विश द एक्टर अ स्पीडी रिकवरी एंड वी विश कि वो जल्द से जल्द ठीक कर घर आएं। दिस इज ऑल फ्रॉम मिस कॉकटेल फॉर नाउ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू हैव एवरी सिप ऑफ बॉलीवुड कॉकटेल।